Hello dear students, and in this video I will teach you how to construct a 60 degree angle very easily and very sufficiently. So without wasting our time, let's continue with our work, that how to make it and draw it. Hello students, and hum chaliye start karte hain banana hamara 60 degree ka angle. सबसे पहले मैंने ले लिया है अपना स्केल, और किसी भी मेज़रमेंट के सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट डालिए. फिर डल गई. अब ना अपना कंपास रखिए इस लाइन सेगमेंट के आगे. उससे पहले आपको एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी, जो है कि आपकी नेम पुटिंग. तो सबसे पहले आप नेम ही डाल दीजिए. इस वाली पॉइंट को दीजिए नेम ए, और इसको दीजिए ओ. इसको दिया हमने नेम, इस वाले को और इस वाले को. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने नेम दे दिया. इसे हटा देता हूँ ताकि इजी हो समझने में. तो जैसे कि हमने नेम दिए, तो हम बनाते हैं एक सेमी सर्कल. सेमी सर्कल के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट पॉइंट पर रखिए अपना एक कंपास की टिप. देखिए मेरी बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पे है. एक सेकेंड वेट कीजिए स्टूडेंट्स. हाँ देखिए हो गया. देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. नाउ हियर इज अ सेमी सर्कल. हमारा सेमी सर्कल बन गया, और एक सेकंड और वेट कीजिए. अब बिना आपने पॉइंट को हिलाए अपनी मेज़रमेंट नहीं हिलनी चाहिए एक बिल्कुल भी, वरना रॉन्ग. इसको यहाँ पे रख दीजिए एग्जैक्ट. आज पे यहाँ से लेके अपना खींच दीजिए ऐसे जी. हाँ तो ये हमारा हो गया. देखिए हाँ, आपको स्केल से यहाँ लाइन डालना, और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन डालना बहुत कंपल्सरी है. ये देखिए, ये हमने डाल दी हमारी. चलिए अब इसे हम मेज़र कर लेते हैं अपने रूलर की हेल्प से. एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा जा रहा, इसको करेक्ट कर लूँ. देखिए ये हमारा बन चुका है. ये हमारा 60 डिग्री का एंगल
कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए हमें अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली एक सेकंड सारे रेस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उस पर पेन चला दिया था जो कि रिटर्न नहीं हो सकता। तो एक सेकंड मैं आपको रफली एक और फटाफट से बना देता हूँ। सबसे पहले एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फ़ोन है तो इसमें मेरा भी अभी प्रॉपर बन नहीं पा रहा, बट जब आप अपनी नोटबुक बनाएं तो आपको ये स्टेप फॉलो करके एकदम एग्जैक्ट बनाना है। चलिए अब मैं आपको ये जो ये हमारा 60 डिग्री का जो पॉइंट निकला है, इस पॉइंट को तो हमने ए नेम दिया था। इस पॉइंट को हमने नेम दिया था ए, जो पॉइंट जहाँ से हमने लाइन ज्वाइन करी जो उसके डायरेक्ट नीचे था, इसको तो हमने ए नेम दे दिया। जो और कॉर्नर में इस तरफ जो था उसको हमने दिया था नेम बी। अब ये जो हमारा पॉइंट निकल गया है इसको भी हम नेम देंगे, सॉरी इसको हमने ओ नेम दिया था और इसको हम नेम दे देते हैं ई। हाँ देखिए, और देखिए जब आप ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये वाली स्टूडेंट्स दिस वन लाइन, स्केल की हेल्प से जो आप ड्रॉ करेंगे यहाँ ऐसे जो ड्रॉ हो के आएगी उसमें भी आपको यहाँ सेंटर में लिखना पड़ेगा 60 डिग्री। समझ में? ये जो यहाँ पे जो इस पॉइंट के जो नीचे आया उसको हमने नेम दे दिया ए, जो और आगे यहाँ पे आया उसका हमने नाम दे दिया ओ, इसको हमने नेम दे दिया ई। बस आपको इतने करना है, सेंटर में आपको ये लिख देना है। तो अगर 5 मार्क्स का भी आना तो आपको फुल मिलना, ये कंपलसरी है। आपको बस ये 4 स्टेप्स इस वाले एंगल में फॉलो करना है। क्या? सबसे पहले ये वाला नेम, देन ये वाला नेम, देन ये वाला नेम, और देन बीच में ये। देखिए नेम कंपलसरी नहीं है कि आप ए लिखा फर्स्ट, तो चलिए आप ए लिख ही देंगे, चाहे आप यहाँ पे बी लिखे, इसकी जगह सी लिखे, डी लिखे, ई लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें किसी कोई भी आपका नंबर डिटेक्ट नहीं करेगा। और ऐसे इसी तरह हमारा ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बहुत सिंपल वे है इसको बनाने का। बस आपको यहाँ ही सेट करना है, लाइन सेट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स ये बन जाता है हमारा कितना इजीली। चलिए होप सो कि आपको यही समझ में सब कुछ आ गया है।